jungle. अच्छा, अब हमें आप ये बता दें कि अब आप जब मतलब रिटन और आपने वाइवा जो है वो पास कर लिया है, तो इसके बाद आगे कितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं सीएसएस के जिसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और हर एक में क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए? मतलब हमारे पास ओके बीएमजी ग्रुप है, आपका फॉरेन सर्विसेज भी है, तो वो किस तरह से मतलब मेरिट इनका बनता है और किस तरह सारों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जरा डिटेल बता दें आप। अच्छा बेसिकली क्या होता है कि आप सीएसएस कर लेते हैं, उसके बाद आपको वाइवा आ जाता है। वाइवा के बाद आपको तकरीबन 6-7 months की ब्रेक मिल जाती है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। कॉमन ट्रेनिंग होती है आपकी लाहौर में, ठीक है, और उसके बाद तकरीबन 4 to 5 months की होती है, और फिर स्पेशल ट्रेनिंग होती है, वो किसी की इस्लामाबाद होती है, किसी की लाहौर होती है, किसी की कराची होती है। अब टोटल 12 groups है, ठीक है, 12 groups हैं, और सबसे जो हाईएस्ट मेरिट होता है वो डीएमजी का होता है, उसको पास बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ असम, इट्स ऑल पर्सनल प्रेफरेंस। कुछ लोग फर्स्ट पे पुलिस को रख देते हैं, कुछ लोग फर्स्ट पे फॉरेन सर्विसेज को रख देते हैं, कुछ लोग फर्स्ट पे एमएससीजी को रख देते हैं। लेकिन यूजली पैटर्न ये होता है कि पहले पे पास होता है, डीएमजी ग्रुप होता है, सेकेंड पे पुलिस या फॉरेन सर्विसेज होता है, ठीक है। कुछ लड़कियां पुलिस को प्रेफर नहीं करती तो वो कस्टम्स में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद ज्यादातर एमएलसीजी होता है, ठीक है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप। उसके बाद आगे आईआरएस होता है, इनलैंड रेवेन्यू होता है, इसमें आप एफबीआर में काम करते हैं, ठीक है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप आता है। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में काम करते हैं, दैट्स गुड, ये भी अच्छा है, ठीक है। फिर नीचे हमारे पास ऑडिट्स एंड अकाउंट्स है। असल में मुझे काफी सारे ग्रुप्स के नाम पता भी नहीं, क्योंकि मैंने, अगर मेरा एफएसपी में ना होता तो मैंने रिपीट करना होता, तो मुझे पता भी नहीं था नीचे वाले ग्रुप्स के नाम। ठीक है। एक रेलवे है, एक पोस्टल है, अच्छा, ठीक, एक और है शायद, बट इस तरह के ग्रुप्स हैं। अब ज्यादातर है ना, हम बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करते हैं सीएसएस के, कि आपने सीएसएस कर लिया, अगले दिन से आपके जो सरकारी घर मिल जाएगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियां शाड़ियां, प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इवन जो सबसे हाईएस्ट मेरिट ग्रुप है, जो पास या डीएमजी ग्रुप है, उन लोगों को भी बहुत बुरी हालत में रहना पड़ता है। मतलब जिस जगह पे वो रह रहे हैं, जिस जगह पे उनकी ड्यूटी है, उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उनको सहूलियात मिलती हैं। कहीं जगह पे उनको एकड़ों का भी घर मिलेगा, कहीं पे उनको कोई पुरानी मॉडल की गाड़ी भी मिल सकती है, कहीं पे उनको न्यू प्राडो भी मिल सकती है। हर चीज जो है डिस्ट्रिक्ट के रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कहीं पे आप, जरूरी भी नहीं होता, आप जाते साथ एसी तो बन जाते हैं, लेकिन फिर ट्रांसफर होते हैं, कहीं पे आप कुछ बनते हैं, तो इट डिपेंड। ये सबसे हाईएस्ट ग्रुप का आपको बता रही हूँ। पुलिस में आपको जो है, इट्स वेरी हार्ड ट्रेनिंग, ठीक है, लड़कों के लिए भी बहुत मुश्किल है, लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैं तो कभी भी पुलिस में नहीं जा सकती। तो अगर आप लेबर नहीं कर सकते, मतलब आप फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, और वैसे भी बड़ा जरा मेंटल टोल भी है फॉर वुमेन इन पीएसपी, तो पीएसपी सिलेक्ट करने से पहले आप बहुत बार सोचें इस चीज सोच को। ट्रेनिंग की बहुत पीपीएस मुश्किल होती है। फिर आपकी फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है। आप आगे जाके आप हार्ड एरियाज में आप पोस्टिंग नहीं करा जॉब करना सकते, पड़ता है। और अगर आप दूसरे बारे में कराएंगे तो आपकी प्रमोशन स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब फॉरेन सर्विसेज में भी आप देखें कि लड़कियों के लिए मसला होता है फॉरेन सर्विसेज में जाना, क्योंकि फैमिली लाइफ इसमें बहुत ज्यादा आपकी खराब होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है आप बाहर जा रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप बाहर किसी और मुल्क में, आपको हर 3-4 साल बाद अपना सारा सेटअप वाइंड अप करके एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होता है। जी तो फॉरेन सर्विसेज इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक स्पेशली, और इसके अंदर भी आपको जो है वो उस लेवल के पर्क्स नहीं मिलते हैं फॉरेन सर्विसेज है, में, जिस लेवल के पीएसपी या पास में मिलते हैं, ठीक है। करेक्ट, तो इट्स प्योरली फॉर सर्विस ऑफ योर नेशन, तो ठीक इसलिए आप ठीक उसमें जाते हैं। सही। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वो मतलब डॉक्टर्स के लिए नहीं है, वो जनरल पब्लिक के लिए है। जिस तरह आपने बात की, एक जनरल परसेप्शन होता है कि यहाँ से सीएसएस क्लियर नहीं हुआ तो सरकारी घर, नौकर और बाहर वो जो नीली बत्ती वाली गाड़ी और सबज नंबर प्लेट और पेट्रोल के खाते और सारा कुछ, ये सारा कुछ मिल जाएगा। मतलब लोगों का मैंने देखा है जो 90 to 95% करने का मकसद होता है वो यही होता है कि यार ये सारा कुछ मिलेगा। तो क्या ये परसेप्शन ठीक है? मतलब आपने तो अब सब कुछ कर लिया है, आप मुझे बताएं इसमें कितना सच है और कितना झूठ है ये? मतलब नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ग्रुप, असिस्टेंट कमिश्नर और ये डीएसपी और डीआईजी एंड सिमिलरली फॉरेन सर्विसेज में जो एम्बेसडर्स होते हैं, मतलब हमें ये लगता है कि जैसे इनको बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। देखिए, अगर आप बाहर कंट्री में है ना एज एन एम्बेसडर,
तो आपके वाकई में बहुत मजे हैं ठीक, क्योंकि आपका रेड पासपोर्ट होता है, आपको कहीं पे भी वीजा की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक आप जाते, आपको इवन एयरपोर्ट पे पहले आप अनाउंस कर देते हैं, सिक्योरिटी ज्यादा टाइट कर देते हैं वहां पे के फलाने मुल्क के जो है वो एम्बेसडर आ रहे हैं जी, आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है, बाहर की पुलिस बाहर का लॉ आप पे अप्लाई नहीं होता, आप वहां पे कुछ भी कर सकते हैं और वहां पे आपको कभी अरेस्ट नहीं कर सकते, आपकी किसी चीज की चेकिंग नहीं हो सकती, आपकी एयरपोर्ट पे किसी चीज की, आपकी मेड्स की, आपकी पपी आपके पास है पेट है उसकी भी चेकिंग नहीं हो सकती। तो आपको ये सारे प्रोटोकॉल्स, बिकॉज आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपको बिल्कुल एक हाईएस्ट ऑफिशियल वाले प्रोटोकॉल मिलते हैं, ठीक है। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप वहाँ कैपिटल में रहते हैं, ठीक है, आपको वहाँ का टैक्स नहीं पे करना पड़ता और काफी इस तरह के फायदे होते हैं बाहर, ठीक है। तो लेकिन ये सब कुछ लेने के लिए भी आपको बहुत कॉम्पिटेंट रहना पड़ता है, आपको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है, आपको प्रूव करना होता है कि यू डिजर्व ऑल ऑफ इट, ठीक है। अगर आप अच्छी डिप्लोमेटिक सर्विस नहीं प्रोवाइड करें तो गवर्नमेंट आपको क्यों अलग आएगी, ठीक है। एंड इट डिफर्स इन एवरी कंट्री, ये तो मैं आपको फॉरन सर्विसेज का बता रही हूँ, ठीक है। इनके ये मजे होते हैं, वाकई में ये मजे होते हैं फॉरन ऑफिसर्स के। पाकिस्तान के अंदर इनको जॉब करनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स में, ठीक है। और वो वाली जॉब में जारी बात है, आप पाकिस्तान में तो आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। अब हम लोगों को जो है अपार्टमेंट मिलता है इन डिप्लोमेटिक इनक्लेव मिलता है इस्लामाबाद में ना, तो ये अपनी ट्रांसपोर्ट आपने खुद रखनी होती है। लेकिन ये है कि अगर आपकी बाहर ड्यूटी हुई है, बाहर आपने कुछ सर्व किया है, तो वहां पे आपके पास जो ट्रांसपोर्ट थी वो आप पाकिस्तान लेके आ सकते हैं विदाउट टैक्स विदाउट कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो बस एक ये इनको फायदा होता है। लेकिन जो एक्चुअली जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो आप पीएसपी या पास में देखते हैं, ठीक है, वो यही है। लेकिन उनके अंदर ये मसला है कि आप कभी किसी छोटे शहर में लगे होते हैं तो ज्यादा एरिया ज्यादातर टाइम पीरियड आपका छोटे छोटे शहरों में गुजरता है, बाद में तकरीबन 10-15 साल बाद आपकी कोई बेहतर जगह पर होती है एलोकेशन होती है। और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनमें मुश्किल से मिलती है ये चीजें। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि सीएसएस के बाद आप कोई ऐसे नहीं हो जाते हैं कोई, मतलब कोई बहुत ज्यादा मजे नहीं है, आपने सिर्फ सोशल रिकग्निशन के लिए करना होता है। हाँ, वो आपको जरूर मिलती है सोशल रिकग्निशन, वो आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको जरूर मिलेगी। बेशक आप रेलवे में भी हैं, पोस्टल में भी, ऑल्दो वो बड़े प्रेस्टीजियस ग्रुप है, हर ग्रुप प्रेस्टीजियस है, लेकिन इट्स जस्ट सोशल रिकग्निशन। कोई पैसों की बारिश नहीं होती, कोई आप इम्यून नहीं हो जाते हर चीज से, तो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। ठीक गुर्बत में रहते हैं, गुर्बत में ही रहते हैं, अगर हलाल की कमाई वाले तो सारे बेचारे गुर्बत में रहते हैं। ठीक तो डॉक्टर लगेब, थैंक यू। हमने उम्मीद तो की है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं वो आपसे पूछ लें, और अगर किसी ने डिटेल्ड किस्म की गाइडेंस लेनी है तो आपके चैनल पे जाके वो जरूर गाइडेंस ले सकते हैं। आप बस हमें अब ये बता दें कि एंड पे जो लोग सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं हु आर थिंकिंग टू बिकम सिविल सर्वेंट्स, आप उनको क्या मैसेज देंगे? लास्ट मैसेज ये है कि मुझे अभी तक सारा कुछ याद आता है, मुझे मेरी हाउस जॉब बहुत याद आती है, मुझे मेरे स्क्रब्स लिटमिन एवरीथिंग बहुत याद आता है, ठीक है। और एक जो फीलिंग होती है ना डॉक्टर होने की, लोगों की हेल्प करने की, और जो एक पेशेंट आपको दुआएं देता है जी, वो बहुत याद आता है। तो बिफोर स्विचिंग योर फील्ड जस्ट रिमेम्बर इट के सीएसएस में बहुत ज्यादा मेहनत है जी, इट इज नॉट ऑलवेज दैट रिवॉर्डिंग, ठीक है। और जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं या जिस अगर आपको लगता है कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए कर रहे हैं वो इतने हैवी नहीं, ठीक है। और बीइंग अ डॉक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनीवन, एन अमेजिंग प्रोफेशन। और जस्ट थिंक अ लॉट बिफोर पुटिंग इट कि आप अपने आप को 20 साल बाद सोचें कि आप उधर खुश होंगे या एक डॉक्टर बन के खुश होंगे। तो जस्ट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन पर्सनल ओपिनियन कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं आफ्टर 20 इयर्स। चले ठीक है डॉक्टर लारेब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपने जो है हमारी ऑडियंस को गाइड किया, और थैंक यू सो मच। आप जिन लोगों ने जो है गाइडेंस लेनी है वो जरूर जाके डॉक्टर लारेब के चैनल को डिस्क्रिप्शन में विजिट करें। थैंक यू सो मच।